मेरे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, आप सबका यहाँ स्वागत। वैसे विषय गंभीर नहीं है, लेकिन इसको गंभीर बनाया भी जा सकता है। नए चुनाव के बाद विधानसभा आहूत की जाती है, और विधानसभा आहूत करने का अधिकार हमारे संविधान में राज्यपाल महोदय को दिया हुआ है। राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री के सिफारिश पर विधानसभा आहूत करने की तिथि भी तय करते हैं और नोटिस भी जारी करते हैं। इसके पहले एक अनिवार्य शर्त है, लोकसभा में भी है और उसी को हमने विधानसभा में भी अपनाया। लोकसभा में प्रधानमंत्री लोकसभा के अध्यक्ष से चर्चा करता है तारीखों की भी और सुविधा की भी। इन चर्चाओं के बाद जब दोनों की सहमति हो जाती है या सहमति नहीं भी हो तो फिर से चर्चा होती है दो बार, और ये चर्चा होने के बाद सिफारिश की जाती है राष्ट्रपति को लोकसभा आहूत करने की। यही परिपाटी हमने यहाँ अपना ली, और अपनाने के साथ ही हमारी नियम समिति में दो बार इसका एडॉप्शन करते हुए और एक विशेष तौर से और कर दिया कि विधानसभा के अध्यक्ष की विचार विमर्श अनिवार्य रूप से किया जाएगा। मेरे पास जब कल सवेरे, क्योंकि राज्यपाल महोदय से जो कमीशन आया था, नोटिस आया था वारंट का, वो आया था 8 तारीख शाम को 7 बजे। हमारी विधानसभा का कार्य जो है 5 बजे समाप्त हो जाता है। कल सवेरे मेरे सामने ये जो नोटिस आया वो पेश किया गया मेरे सचिव द्वारा, और मुझे आश्चर्य हुआ। आश्चर्य हुआ कि आज के मुख्यमंत्री भी बहुत अनुभवी हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और हमारे संसदीय कार्य मंत्री भी है वो भी अनुभवी हैं, और जो अधिकारीगण हैं वो भी अनुभवी है। तो मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि मेरे से बिना विचार विमर्श किए यह विधानसभा कैसे आहूत की गई। यह मेरा पहला बिंदु था, इस जिसके कारण मैंने, क्योंकि संबंध जारी करने का अधिकार मेरे आदेश से हमारे सचिव को होता है, और मैंने सचिव को संबंध जारी करने के आदेश नहीं दिए, ये एक इसमें कमी रही। दूसरा, एक संबंध हमारी नियम और पत्रावली है, राजस्थान विधानसभा के नियम और संचालन की पत्रावली है, नियम है, उनमें नियम 3 है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि विधानसभा का सत्र स्पष्ट 21 दिनों के अंतराल से बुलाया जाएगा। ये एक अवधि है। मैं इस समय आपको एक और बात और याद दिला दूं, अगर आपके पुराने लोग कुछ हों, कि पहले ये अवधि 14 दिन की थी, पहले ये अवधि 14 दिन की थी, और हमारी समितियों में विचार विमर्श के बाद इस अवधि को इसलिए बढ़ाया गया कि भाई विधायकों की सुविधा रहे, उनको अपनी कर्तव्य निर्वहन में और अपने दायित्व निर्वहन में अधिक समय मिले, इसलिए 21 दिन की गई। इस 21 दिन की अवधि को कम करने का अधिकार भी स्पीकर को है, उसके विवेक पर, लेकिन उसके लिए तत्काल आवश्यकता या ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां बतानी पड़ती है कि जिससे आधार पर अल्प अवधि का सत्र भी आहूत किया जाए। मैंने भी एक बार किया था, मेरे 5 साल में एक बार किया था, और उस समय किया था जबकि एक संविधान संशोधन हुआ था और जिसका रेटिफिकेशन विधानसभाओं को 15 दिन में करना था, तो उस स्थिति में मैंने भी 10 दिन का नोटिस देकर सत्र आहूत किया था। तो मेरे सामने ऐसी कोई स्थिति नहीं लाई गई कि जिससे विशेष परिस्थितियों में या तत्काल अवधि जो है 21 दिन की उसको कम करके कम अवधि में सत्र बुलाया जाए। ये दो बिंदु ऐसे थे कि जिसको मैंने विधानसभा की अथॉरिटी, विधानसभा की गरिमा और विधानसभा के विधायकों के अधिकार और दायित्व करने के पृष्ठभूमि में उचित माना कि मैं इन दो अनियमितताओं के कारण सत्र आहूत करने का संबंध जारी नहीं करना चाहता और नहीं मैंने करने दिया। इसी बिंदु को लेकर मैं कल राज्यपाल महोदय से मिला था और उनसे मैंने ये दोनों बातें निवेदन की थी। तो राज्यपाल महोदय का कहना था कि आपके विचार विमर्श किया या नहीं,
ऐसी जानकारी तो मुझे नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो ये आपके पास जो सरकार की ओर से निवेदन आया उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि ये एक अनिवार्य शर्त थी जो पहले पूरी की जानी चाहिए थी, और इस अनिवार्य शर्त को बिना पूरा किए आपके याले। दूसरा, 21 दिन का जो नोटिस है जो आपने 7 दिन का दिया है, उन्होंने 15 दिन 15 तारीख तय की, 8 तारीख को मेरे पास आया, 9 को इश्यू होता तो केवल 6 दिन। ये 6 दिन का जो है नोटिस किसी भी रूप में किसी भी स्थिति में आज की तारीख में जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज नई विधानसभा गठित हुई है और न ऐसा कोई तत्काल कारण है, न कोई ऐसी विशेष परिस्थितियां है कि मैं इस 21 साल की अवधि को कम करूं। इन दो बिंदुओं को लेकर मैं राज्यपाल से कल मिला था, उनको मैंने अपनी स्पष्ट स्थिति बता दी और मैंने कहा इन दो अनियमितताओं के रहते हुए मैं इस अनियमितता का साक्षी नहीं बनना चाहता, और मैं किसी भी रूप में सरकार जब तक इन गलतियों को मान करके इन कमियों को पूरा करने की स्थिति नहीं पैदा करेगी मैं संबंध जारी नहीं करूंगा। ये मैंने स्पष्ट रूप से राज्यपाल महोदय को किया गया। अब इसमें दो बातें हैं, साधारण तो सरकार को अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए दोनों ही बिंदुओं पर, और मेरे से विचार विमर्श कर लेना चाहिए, और विचार विमर्श करने के बाद तारीख तय कर लेनी चाहिए, तो ये बहुत साधारण हो जाता है इश्यू, इसमें कोई प्रेस्टिज पॉइंट नहीं बनाना चाहिए। उनकी गलती है, उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया, और ये स्थिति नहीं बनाती है तो जैसा भी आ रहा है, कोई संविधान संकट में कोई ऐसी कोई स्थिति पैदा होने की स्थिति नहीं है। और कल मेरी दिल्ली से शांति जी धारीवाल का टेलीफोन आया था, तो माननीय मंत्री महोदय मुझे कहा ये क्या आपने ऑब्जेक्शन लगा दिए। मैंने कहा भाई ऑब्जेक्शन तो आप भी जानते हो, साथ साथ नियमों के अंतर्गत मुझे जो लगाना था, और चूंकि मैं विधायकों के अधिकार का और विधायकों के कर्तव्य पालन का एक संरक्षक हूँ स्पीकर के नाते, तो मैं उनके जो है जो जिस तरह की सुविधाएं हैं और जिस तरह का समय उनको दिया जाता है उसमें मैं कमी करने को किसी रूप में तैयार नहीं हूँ। ऐसी स्थिति में मैं 21 दिन के पहले जो बोलना चाहते हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो उन्होंने इतना ही कहा कि अच्छा मिल बैठ कर बातचीत कर लेंगे, मैं आ रहा हूँ। वो दिल्ली थे, अब आएंगे तो बात कर लेंगे, मुझे उसमें भी कोई इतराज़ नहीं। तो आपके सामने मेरी स्थिति सारी स्पष्ट कर दी। मैं इसके बाद मैंने जो राज्यपाल महोदय को एक मेमोरेंडम दिया है, आप सबको उसकी कॉपी भी दे दूंगा, जिसमें शक्तरन कोल का उसका भी वो है विवरण सारा, लोकसभा में क्या प्रक्रिया उसकी भी है, हमने उस प्रक्रिया को अपनाई उसमें भी है, और मैंने राज्यपाल महोदय से निवेदन किया कि आप संविधान और संविधान के जो धाराएं हैं या संविधान के जो प्रावधान हैं उसके आप संरक्षक हैं, और उसके संरक्षक होने के नाते, क्योंकि जो ये हमारे नियम बने हैं राजस्थान विधानसभा के, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी संविधान है, क्योंकि संविधान की धारा के अंतर्गत ही ये अधिकार है विधानसभा को अपने नियम बनाने का, तो पार्ट एंड पार्सल हो गए, और इसलिए संवैधानिक स्थिति है हमारे नियमों की भी, तो उनका पालन किया जाना चाहिए। ये स्थिति आपके सामने पैदा हुई है, मैं आज भी आप सबसे चाहता हूँ कि इस बारे में आप भी, मैं आपको दूंगा उस पर मनन करें, अपनी टिप्पणियाँ लिखें, और सरकार अपनी जो कमियाँ रही है जो गलती रही है उसको ठीक कर ले। ये मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि विधानसभा 21 दिन की चलनी चाहिए, नए नए विधायक आएंगे। दूसरा, हमारे यहाँ आप सबको मालूम है प्रश्नकाल का नोटिस देने का सबसे ज़्यादा पीरियड है 14 दिन का। दूसरे जो है कहीं शॉर्ट नोटिस भी होते हैं, कहीं पर जो है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी होते हैं, कोई विशेष डिस्कशन के प्रस्ताव भी होते हैं, और भी इनके लिए समय कम है, लेकिन 14 दिन का नोटिस जो है देना पड़ता है विधायक को। अब 14 दिन इसमें होते ही नहीं, आप 6 दिन में क्या हो जाएगा, 6 दिन के बाद कैसे क्या स्थिति बनेगी, फिर जो है लॉटरी निकलती है, लॉटरी निकलने के बाद छपने जाता है, तो ये कई तरह की असुविधा है। इसके साथ एक सुविधा और है, इतनी जल्दी विधानसभा के सुरक्षा के प्रबंध भी नहीं हो सकते। मैंने हमारे सुरक्षा के अधिकारी मार्शल जी से कल चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी कैसे होंगे साहब, अभी तो हमको सारा बताना पड़ेगा, पुलिस में भेजना पड़ेगा, किस तरह के कितने लोग हमको चाहिए, कैसे चाहिए उनको आके यहाँ। तो ये जो कुछ बातें हुई है जो कि जल्दी विधानसभा आउट करने के बिल्कुल गलत है, और इस आधार पर मैंने जो है ये सारी स्थिति पैदा की है। मैं आपको हमारा मेमोरेंडम की कॉपी भी दे दूंगा, और मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी गलतियों को स्वीकार करे, राज्यपाल महोदय को दूसरी सिफारिश भेजे मेरे से चर्चा करके। मैंने मांग भी ये की मेरे से चर्चा करके जो विचार विमर्श करना आवश्यक है वो चर्चा करके उसके आधार पर तारीख सहमति से तय करके, और राज्यपाल को एक दूसरा वो जो भेजे अनुरोध जिस
अनुरोध के आधार पर राज्यपाल हमको डायरेक्शन भेजेंगे तो हम राजस्थान विधानसभा को आहूत करने की सम्मन जारी कर देंगे। सरकार से अगर चर्चा होती है और आपकी सुलह होती है तो क्या विधानसभा का सत्र 15 जनवरी को ही बुलाया जा सकता है? मैं तो नहीं बुलाऊंगा। यानी आप विधायकों के 21 दिन का जो समय आपने निर्धारित रखा है उसकी सुरक्षा करेंगे? मैंने नहीं, नियमों में। हाँ, नियमों में 21 दिन में क्या मैक्सिमम ऑफ 21 डेज है और 21 दिन ऐसे कुछ है क्या? 21 क्लियर डेज लड़ा भाई मैं पढ़ी देता हूँ। 21 कौन से अधिसूचना जारी होने से? देखो 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 पढ़ लेता हूँ ना मैं नियम। आप सब जो है स्पीकअप करने वाले सब बुद्धिमान लोग हैं। सभा का आह्वान, जब सभा को किसी सत्र में आमंत्रित किया जाए तो सचिव प्रत्येक सदस्य को ऐसी तारीख समय तथा स्थान की सूचना देगा जो राज्यपाल द्वारा सभा की बैठक बुलाने के निमित्त नियत किए गए हो तथा वह राज्य पत्र में एक विज्ञप्ति प्रकाशित करवाएगा। 2. उपनियम 1 के अधीन आमंत्रण साधारणतया इस प्रकार नियत की गई तारीख से पूरे 21 दिन पूर्व जारी किए जाएंगे। मेवर जी, अगर सरकार नहीं आप जैसे नहीं बुला रहे, आपने मना कर दिया, आप सत्र नहीं बुलाएंगे तो क्या सरकार के पास सरकार बुला सकती है कुछ जबरदस्ती या आपके ही आगे चले? ऐसे कोई प्रावधान सरकार में नहीं है। सत्र बुलाने का अधिकार स्पीकर का होता है और स्पीकर ही जो है सत्र बुला सकता है, आहूत कर सकता है। स्पीकर अपने सचिव को आदेश देता है, उसके बाद जो है रेडियो पर पत्रकारों में नोटिफिकेशन से वो जो है तारीख नोटिफाई की जाती है सत्र की। सरकार आपसे बात भी करेगी? सरकार ने अभी मेरे से बात नहीं की। शांतिलाल जी धारीवाल का दिल्ली से जो टेलीफोन आया था जिसकी मैंने आपके सामने चर्चा कर दी। विधानसभा का गठन 12 जनवरी 2014 को हो चुका। इलेक्शन कमीशन दिसंबर 12 2013 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिफाई कर दिया। 12 को क्या 18 सम्मत 18 2018। हाँ 2018, सॉरी मैं गलत बोल। नए विधायकों की शपथ कब तक हो सकती है? नए विधायकों की शपथ जो है प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है और इसमें कोई अवधि तय नहीं है कि कब उनकी प्रोटेम स्पीकर जो है शपथ दिलाएगा। लेकिन प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है नए विधायकों की शपथ के लिए और पहले विधानसभा के स्पीकर का चुनाव करने के लिए। अध्यक्ष जी, राज्यपाल की आज्ञा की अवज्ञा नहीं हो रही यहाँ पर? अवज्ञा नहीं हो रही है। अवज्ञा इसलिए नहीं रही है कि राज्यपाल का जो आदेश है या जो नोटिस उन्होंने भेजा है वो प्राइमा फेसी गलत तथ्यों पर है, अनियमित है और इसलिए उन्हें उनको ये भी उनके ध्यान में ले आया और उनको स्वयं में कह आया कि इस अनियमितता का, इस गलती का मैं साझेदार नहीं बनूंगा, मैं साक्षी नहीं बनूंगा, मैं दस्तखत नहीं करूंगा आपके इस नोटिस को। 2013 के अंदर 21 जनवरी को सत्र बुलाया गया, 21 जनवरी को शपथ हुई, तो क्या 21 जनवरी पहले शपथ अनिवार्य नहीं है क्या? नहीं, कतई नहीं अनिवार्य। शपथ कब तक दी जाए, कैसे दी जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। पहले आप कहा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने कह दिया कि सरकार अगर बात करती है तो रास्ता निकलेगा, लेकिन रास्ता आपने साफ कर दिया कि 15 जनवरी के लिए तो आप कतई तैयार नहीं है। ये सरकार के साथ बातचीत करके और उसके बाद ही तय किया जा सकता है। बातचीत के पहले मैं कोई तारीख तय करने के बारे में निर्णय नहीं दे सकता। अध्यक्ष एक सवाल और, एक मिनट, हाँ आप सुनते जाओ ना। प्रोटेम स्पीकर अगर वो शपथ दिला दी तो क्या प्रोटेम स्पीकर भी कॉल नहीं कर सकता सेशन? प्रोटेम स्पीकर के दो ही कर्तव्य माने गए, पहला ये तो विधायकों को शपथ दिलाने का और दूसरा नए अध्यक्ष का चुनाव करने का। ये दो काम प्रोटेम स्पीकर के होते हैं। इसके बाद सामान्य बजट जो है या सामान्य प्रक्रिया जो है विधानसभा की वो उसको चला नहीं है, नहीं है। 2013 के अंदर भी 21 दिन पूरे नहीं हुए थे, 8 दिसंबर को रिजल्ट आया था और 21 जनवरी, 8 दिसंबर 21 जनवरी का कैसे नहीं हुए पूरे? गणित ठीक करो। नोटिफिकेशन में आप देखो, आप पुराना रिकॉर्ड ऐसा है, पुराना रिकॉर्ड नहीं। मैं स्पीकर चुना गया था 22 जनवरी 2014 को, ये मुझे मालूम है। उससे पहले 21 दिन पूरे नहीं हुए थे। 21 दिन क्यों नहीं पूरे? मंत्री बन गया था एक महीने पहले तो, और मंत्री बन गया नोटिफिकेशन जो आया। अब ये आप वो मुझे तारीख बता दीजिए, नहीं हुए केवल कल्पना के आधार पे। नहीं, मुद्दा जो आपने उठाया ये नियमों की पालना करवाने का है या आपसे चर्चा नहीं की सरकार ने, आपका अहम कहीं टकरा रहा है? मेरे से चर्चा करना भी एक नियम है।
कोल एंड शकदर में भी है और हमारी जो है विधानसभा की समिति उसने भी इसको नोटिफाई किया और इसको मान्यता दी है। तो ये एक नियम है और नियम नहीं केवल मेरी किसी की डिस्क्रिप्शन नहीं है। कोल एंड शकदर का गेड़ा मैं भी आपको दूंगा और हमारे जहाँ नियम समिति बनी है उसने भी इसको रिट्रेट हुए कहा है कि परामर्श करना अनिवार्य है। लेकिन कांग्रेस सरकार का तो आरोप है सर कि आपने जबरदस्ती ऐसे विधायक जिन्होंने शपथ नहीं ली उन्हें मकान भी आवंटित कर दिया, मर्जी से उनको अधिकार भी दे दिए जबकि उन्होंने शपथ ही नहीं ली है कोई और। बंधुवर अपने आप को करेक्ट कीजिए। विधानसभा का गठन तो 12 दिसंबर 2018 को हो गया तो तब से वो विधायक हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज और उन्हीं विधायकों को मैंने अपने विवेक से सबको जो भी खाली थे अपने क्वार्टर या फ्लैट वो मैंने आवंटित किए, वो मेरा अधिकार है। क्या करते क्योंकि गृह समिति में इस तरह की बातों पर चर्चा होती है। गृह समिति बड़े ये 1.5-2 महीने बाद तो 1.5-2 महीने बाद गृह समिति की इंतजार करता मैं क्योंकि मुझे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। इस नियमावली में जो हमारी है उसमें स्पीकर इज सर्वोच्च अथॉरिटी और इसी मेरे अथॉरिटी का प्रयोग करते हुए मैंने सबको जहाँ जिसने मांगा तो जिसका जैसी स्थिति थी मैंने प्लॉट भी अलॉट कर दिए, क्वार्टर भी अलॉट कर दिए और करता रहूंगा। सर्वोच्च अथॉरिटी पर अभी तक सरकार ने कोई चैलेंज नहीं किया लेकिन जब आपने अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया था अब आप चुनाव लड़ लिए तो क्या आप नैतिक आधार पर स्पीकर बने रहने के हकदार हैं? ऐसा है कि स्पीकर देखिए ये भी आप समझ लीजिए अगर आपको समझना है तो इंग्लैंड की हमने परिपाटी ली है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को हमने फॉलो किया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक नियम है कि द स्पीकर वंस स्पीकर इज ऑलवेज स्पीकर, वंस स्पीकर इज ऑलवेज स्पीकर। स्पीकर एक बार बन गया उसके बाद उसके खिलाफ कोई पार्टी कैंडिडेट खड़ी नहीं करती है और उसको लगातार या तो वो इस्तीफा दे दे या जीवन पर्यंत जब तक चाहे वो बना रहे। वो यहां तक तो हमने ले लिया, ये इसलिए किया कि पार्टियों के हित के ऊपर जो है स्पीकर अपना निर्णय दे और पार्टी के दलदल में नहीं फंसे। लेकिन वो स्थिति ये तो अपना ली कि पार्टी का आदमी नहीं रहेगा लेकिन ये ऑलवेज स्पीकर वाली नहीं रखी। वो रखते तो मैं बराबर स्पीकर बने रहता, चुनाव भी लड़ना पड़ता। आप तो अभी केयरटेकर स्पीकर एक तरफ से। नो 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 ओ नो नो केयरटेकर, केयरटेकर नहीं हूं मैं। मैं जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाए तब तक सभी अधिकारों को साथ रखते हुए सभी अधिकारों को एंजॉय करता हूं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, केयर टेकर नहीं हूं मैं। प्रोटेम स्पीकर जिस रोज शपथ ले लेगा उस रोज हम यहाँ आके नहीं बैठेंगे, वो बैठेगा पहली बैठक तक 11 बजे तक। आप स्पीकर 11 बजे तक जिस दिन पहले 15 जनवरी की हम तो 11 बजे से पहले मैं तो ये मान के चल लेगा, हम ये मान के चल लेंगे 15 तारीख का अधिवेशन सत्र शुरू नहीं होगा। अब ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ? जब आप सरकार गलती मानकर मुझे वो विशेष परिस्थितियां अगर बताएगी कि नहीं ये बुलाना आवश्यक है इन इन कारणों से तो मैं सहमति दे सकता हूँ। सिक्योरिटी सुरक्षा वगैरह आपने दो चीज बोली, सुरक्षा का मुद्दा भी अहम है तो क्या आप उस स्थिति में भी दे देंगे? नहीं, सुरक्षा का मुद्दा तो हल करेंगे ना हम, इमरजेंसी में हल कर लेंगे। मेरे से राय लेना जरूरी है, मेरे से राय लेना जरूरी है, मेरी राय से ही सब काम होगा। मेरा विचार विमर्श अध्यक्ष ऐसा तो नहीं है कि कई पार्टी के लाइन के आधार पर आप इस तरह का ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं बिल्कुल आज भी निष्पक्ष हूँ और विधानसभा चलाने में ये आपका जो ये मंतव्य आपने प्रकट किया ये इससे मैं बिल्कुल असहमत हूँ। मैंने जो कुछ किया आपके सामने किया है, नियम है, उपनियम है, प्रस्ताव है। आपके बीजेपी के जो विधायक है गुलाब सिंह कटारिया काफी सीनियर है, उन्होंने तो सवाल लगाना भी शुरू कर दिए, कल वो सवाल बना रहे थे लगाने के लिए, आप बोल रहे समय नहीं मिल रहा। अरे मिस्टर सवाल कैसे लगा सकते हैं, उन्होंने तैयार कर रहे थे वो तैयार कर रहे हैं वो अलग बात है, तैयारी सब करेंगे। सवाल तो तभी लग सकते हैं जबकि विधानसभा का सत्र आहूत किया जाए उसके बाद सवाल लगाने का अधिकार बनता है। अगर वो लिख रहे हैं तो अच्छा है, तैयारी कर रहे हैं, अच्छे विधायक जो है पहले से सवाल लिखते हैं। ये अधिकार है राज्यपाल को, तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो वो सचिव के माध्यम से अधिसूचना जारी करवा सकते हैं, तो क्या आप हाईकोर्ट जाएंगे राज्यपाल के खिलाफ? ऐसा है कि राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है, अगर राज्यपाल ऐसा करेंगे तो अनियमित होगा, अवैध होगा। कोर्ट में जाएंगे फिर आप यदि ऐसा करेंगे तो? कर ही नहीं सकते मैं ये मानता हूँ।
सर माना जा रहा है कि आपको सर बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष चुना जा रहा है, तब तक आप वेट करवाने जा रहे हैं। अरे यार घी शक्कर लाओ, इसके मुंह में घी शक्कर तो दो, बढ़िया बात बोली है मेरे लिए इसने। इसका मतलब मान के चले कि घी शक्कर खिलाएंगे। ये मान के मत चलो, मैं तो कह रहा हूँ कि इसने बात बढ़िया बोली हमारे इस पत्रकार बंधु ने, उस बढ़िया बात में मैं मिठाई खिलाने को तैयार हूँ। एक चर्चा तो ये भी है, एक चर्चा तो ये भी कि गंगानगर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ये गलत है, मैं केवल विधायक रहूंगा, विधायक सभा छोड़कर नहीं जाऊंगा। लोकसभा में मैं 3 बार जा चुका, इसलिए मेरी लोकसभा में जाने की कोई रुचि नहीं है। घी शक्कर वापस अध्यक्ष जी, ये बताइए अध्यक्ष जी कि गवर्नर जो अपने हैं वो कई बार सीएम रह चुके हैं कई जगह, यूपी में सॉरी, तो उनको ये ज्ञान नहीं है कि ये सामान आपके थ्रू आना चाहिए। मैंने उनको ये याद दिलाया, मैंने कहा आप तो बहुत अनुभव रखते हैं, आप इस तरह भी रहे हैं, और कि भाई मेरी ध्यान में नहीं लाया गया कि उन्होंने विचार विमर्श किया कि नहीं, ये स्थिति मेरे साथ ध्यान में नहीं लाई, ये उनका जवाब था। गवर्नर साहब ने जो अनुमति दी है वो लखनऊ से फैक्स के माध्यम से आया एक दिन पहले, ये मुझे मालूम नहीं कहाँ से आया। मेरे यहाँ तो 8 तारीख शाम को 7 बजे ये आया था नोटिफिकेशन उनका, संसदीय कार्य जो सचिव होता है सरकार का, उसने उनकी उस ऑर्डर की कॉपी भेजी है और 9 को मेरे सामने पेश हुई जो ये पत्रावली है, और 9 को मैंने इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया से राज्यपाल महोदय को अवगत करा दिया। सर क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों का हनन कर रहे हैं? मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं ये 3 विंग है डेमोक्रेटिक सिस्टम के, विधायक का, आपकी कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके आपसी संबंध और इनके समन्वित काम करने के सारे नियम बने हुए हैं। मैं आरोप कतई नहीं लगा रहा, उन नियमों का पालन नहीं हुआ, जैसा कि आप देख लीजिए सकदर कोल में भी देख लीजिए हमारे कि भाई मेरे से विचार विमर्श करना आवश्यक था, ये आवश्यक नहीं किया, मैं आरोप नहीं, उनसे गलती हुई है ठीक कर ले। तो इसका मतलब आपसे वो चर्चा करे, बातचीत करे, आपसे यूं कहे कि अंग्रेजी में लिफ्टिंग कर ले वो आपकी, तो आप अनुमति दे देंगे? ये लिफ्टिंग क्या है? तो लिफ्टिंग शब्द पहले लिफ्टिंग शब्द की व्याख्या करो। अंकित नहीं होगा इतना भला तो मुझे बस समझ में लिफ्टिंग का सवाल नहीं है, क्योंकि एक स्थिति पैदा हुई है, और मेरा ये मानना है कि संवाद से और आपसी चर्चा से कोई रास्ते निकलते हैं। इसमें भी मैंने कहा बहुत सरल रास्ता है, एक तो मेरे से विचार विमर्श कर ले, एक अनिवार्यता पूरी हो जाएगी, जो बाध्यता है नियमों की बाध्यता है अनिवार्य है मेरे से पर, वो तो वो पूरी हो जाएगी। दूसरा हाईलाइट हो रहा परामर्श वाला पॉइंट, लोकसभा को आहूत करने का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री और प्रधानमंत्री सत्ता का सभा का नेता न हो तो सभा के नेता द्वारा किया जाता है, और सत्र के आरंभ होने की तारीख और उसकी अवधि के संबंध में अध्यक्ष के साथ अनौपचारिक रूप से परामर्श करके प्रधानमंत्री भेज दिया जाता है। प्रधानमंत्री सुझाव से सहमत हो सकता है या इसे मंत्रिमंडल के पास भेज सकता है। प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल अंतरिम से स्वीकार किया गया प्रस्ताव औपचारिक रूप से अध्यक्ष को भेजा जाता है। यदि अध्यक्ष उससे सहमत हो, यदि वह सहमत न हो ऐसी संभावना कमी होती तो वह इसे पुनः विचार के लिए वापस प्रधानमंत्री के पास भेज सकता है। मैंने शुरू में कहा कि एक बार हो जाए सहमत नहीं, दूसरी बार भेजा, सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद राज्यपाल को राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है कि आप हमारे लोकसभा का सदन आहूत कीजिए। कुल मिला के आपने एक नजीर पेश कर दी है, आने वाले इतिहास के पन्नों में चीज लिखी जाएगी, सुनहरे अक्षरों में है ना, सुनहरे अक्षरों में। ये एक कॉपी है, किस दिन का और ये वाला अच्छा जी आपने ये प्रश्न जो आप फिर से अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ेंगे जैसे एमपी में भाजपा ने खड़ा किया, अध्यक्ष प्रस्ताव भेज रहे हैं कैसे आप मनीष जी अध्यक्ष का चुनाव? ये निर्णय पार्टियां करती है किसको क्या लड़ाया जाए, मेरा उसमें अपना कोई विवेक काम नहीं करता। आप तैयार है पार्टी? सवाल ये कि प्रस्ताव तो आने दीजिए, मैं कल्पना के आधार पर बात नहीं करता। 5 साल में सबसे सुनहरा बेहतरीन पल आपके लिए कौन सा रहा जिसको आप हमेशा याद रखना चाहेंगे, और ऐसा मुश्किल वाला वक्त क्या रहा जो आपको भी लगा कि आप डावाडोल हो रहे थे उस वक्त? मेरे लिए तो सब 5 साल की सारी विधानसभाएं मैंने चलाई सब बेहतरीन थी, मैं कभी कोई डावाडोल हुआ ही नहीं, इसलिए मुझे किसी बात पर आज तो अफसोस नहीं, सब बढ़िया से बढ़िया चलाया, और मेरे मित्र हमेशा इस बात की तारीफ करते, आप में भी सिर्फ कई लोग कहते ठीक चला रहे हो, आपने से भी कई लोग आके तारीफ करते ठीक चला रहे हो, तो हमेशा ही बेहतरीन था। आप सदन को चलाते रहे,
लेकिन जब पहली सत्र की बैठक होगी इसकी तब आप नीचे विधायकों की कुर्सियों पर बैठेंगे, हो सकता है नेता प्रतिपक्ष की भी कुर्सी पर बैठे, तब कैसा महसूस करेंगे आप? बैठूंगा तब महसूस करूंगा, आज कैसे कल्पना कर लूं। अध्यक्ष जी, 5 साल के दौरान आपने आसन से कई शब्दों का प्रयोग किया, सियार भी बताया, गीदड़ी भी बताया विधायकों को, तो अब आप नीचे बैठोगे तो कैसा फील करोगे आप? ये तो आप कह रहे हो, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। अरे मैंने ऐसा नहीं कहा, कहा होगा तो डिलीट कर दिया होगा जो रिकॉर्ड पे है। अरे तुमसे पूछते तो यार, देखो आज आज भाई ये मेरी आखिरी एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस ईयर से, इसलिए पूछने दे जितने हैं जिनको, मैं बढ़िया नाश्ता करूंगा, बढ़िया चाय पीऊंगा, इसलिए पूछने दो। यू कैन टेक योर ओन डिसीजन, योर ओन ओपिनियन, मेरी क्या राय है। अध्यक्ष जी एक सवाल मेरा ये है कि 5 साल में कितने प्रश्नों को सरकार ने ब्लॉक कर दिया जो विधायकों ने पूछने दिए? ये अभी रिकॉर्ड की बात है, इसमें और फ्रेम में जवाब नहीं। एक सवाल मेरा भी जरूरी है, बहुत सारे विधायक आए थे, उन्होंने कहा कि विधानसभा में शायद कुछ ऐसी चीजें हैं जो 200 विधायकों को एक साथ बैठने नहीं दे रही है, पूजा पाठ करवा दीजिए, कुछ करवा दीजिए। सर आप सहमत थे उनकी बात से और आप भी मानते हैं 200? ये धार्मिक आस्था या अंधविश्वासों की आस्था ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करती है और व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से ही, जैसे मैं यहाँ आया मैंने कोई पूजा नहीं करे, लेकिन कोई स्पीकर आवे धार्मिक आस्था वाला वो पूजा करा सकता है, कोई और तरह पंडितों को भी निवेदन कर सकता है, क्योंकि अपने यहाँ भगवान नहीं तो माध्यम है इसके पंडित। इस बार 99 का फेर है ना, कांग्रेस 99 पे, विधायक 199। हाँ तो अलग अलग अपने अपने, जैसे यहाँ आज भी कई मंत्री जो है अपने कक्ष में जा रहे हैं और पूजा भी करवा रहे हैं, कई तरह के दूसरे भी वो अनुष्ठान करवा रहे हैं। मैं तो 3 बार मंत्री बना राजस्थान विधानसभा में, मैंने बिना किसी पूजा के बिना किसी अनुष्ठान के जाके कुर्सी पे बैठे। लेकिन माना जाता कि अध्यक्ष जी आप तो आस्तिक है, लेकिन आप नास्तिक जैसी बात कर रहे हैं। नास्तिक और आस्तिक का जो है बहुत बड़ा सवाल है, इस पर बहस की जा सकती है, इसलिए इस बारे में नहीं बोले तो ठीक है। अध्यक्ष जी ये एक और बता दें, आपने 5 साल के कार्यकाल में कोई भूत प्रेत देखे गए? भूतनी तो मुझे एक दिखी थी दिल्ली में, मैंने जब 44 नंबर का अशोक नगर अशोक रोड का बंगला लिया, उसमें उसकी फूलन देवी की हत्या हुई थी और हत्या के बाद वो बंगला मशहूर था कि भूतनी का बंगला है, भूतनी का बंगला, उसको कोई ले नहीं रहा था। मैं उपचुनाव में जीत के गया तो मैंने वही बंगला लिया और 8 साल तक रहा। उन भूतों के साथ भी मैं रह रहा हूँ और आप भूतों के साथ भी मैं रह रहा हूँ। अब नाश्ता लगाओ, करीब करीब हो गया, और भाई किसी का पीछे हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे।